हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा चावला। वेलकम टू माय चैनल चावलास कुकिंग। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने आपसे क्विक इंस्टेंट बेसन ढोकला की रेसिपी शेयर की थी। आपको बहुत पसंद आई और आपके मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप रवा ढोकला की रेसिपी हमसे शेयर करो। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक इंस्टेंट ईजी रवा ढोकला रेसिपी। हेल्दी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट जालीदार रवा ढोकला, यानी सूजी का ढोकला, जो कि खाने में बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये इतना सॉफ्ट, बढ़िया और जालीदार बनता है। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपका भी ढोकला बनेगा सुपर सॉफ्ट। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है, इसीलिए ये हेल्दी टेस्टी रेसिपी है। आप कभी भी इसे बना सकते हैं। आप किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, चाहे कोकोनट चटनी हो, मूंगफली की चटनी हो या इमली की चटनी के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इमली की चटनी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। इसी के साथ बेसन ढोकला जालीदार कैसे बनाएं वो भी मैंने आपको एंड में बताया है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला बनाने के लिए एक बोल लिया है, उसमें 2 कप बारीक वाली सूजी ले लेती हूँ। 2 कप इसलिए क्योंकि मैं इसे थाली में भी बताऊँगी और हम केक के पॉट में भी इसे बनाएंगे। आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल जो मोटी सूजी रहती है, आप थोड़ा उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। अब जिस कप से मैंने सूजी ली है उसी कप से मैं इसमें 1.5 कप दही लूँगी। दही थोड़ा खट्टा हो तो और भी बढ़िया। आपका दही खट्टा नहीं है तो आप 2 कप दही भी डाल सकते हैं। मेरा ये दही काफ़ी खट्टा है इसलिए मैंने 1.5 कप यूज़ किया है यहाँ पर। अब इसमें 1 कप जितना पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी या नॉर्मल चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे काफ़ी खट्टा मीठा टेस्ट आएगा ढोकला का। बट मैं शुगर यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक रेस्ट करने को रख देते हैं, जिससे जो सूजी है वो दही में एब्सॉर्ब होकर अच्छे से फूल जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा है। अब इसमें मैं 1/4 कप जितना पानी और ऐड करती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मीडियम थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। 1 चम्मच जितना नमक डाल देती हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इस बैटर के 2 पार्ट करती हूँ। 1 बैटर मैं थाली में बनाऊंगी और दूसरा केक के पॉट में बनाएंगे। डिवाइड करने के बाद लगभग ये बैटर 1 कप सूजी जितना है। अब 1 कप सूजी में हम इसमें डालेंगे 1 पूरा पैकेट इनो का, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनो डालने के बाद हमें तुरंत ही डालना है, इसे रखना नहीं है बैटर को। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और फुला फुला हो चुका है। अब ढोकले को स्टीम देने के लिए ले लीजिए एक बड़ी सी कढ़ाई। उसमें 2 ग्लास पानी गर्म करने को रखा है मैंने, उस पर स्टैंड डाल दिया है और अब उसके ऊपर रख रही हूँ केक का पॉट, जिसे मैंने ऑलरेडी तेल से ग्रीस कर लिया है। अब इस बैटर को इसके अंदर डाल देते हैं। आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी को उल्टा करके भी पॉट को रख सकते हैं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। अब इसे ढक्कन से कवर करके 10 से 15 मिनट तक मीडियम हाई टेम्परेचर पर इसे छोड़ देते हैं। टाइम में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है क्योंकि सभी की कढ़ाई की साइज और बर्नर सब अलग होता है, तो आप बीच में एक बार नाइफ डालकर चेक कर लीजिए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे एक बार ढक्कन उठाकर चेक कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ और वाओ, देखने से ही पता चल रहा है कि ढोकला एकदम बढ़िया बन गया है। तो मैं इसे निकाल कर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जब तक इसके लिए फ्लेवरफुल तड़का बना देते हैं। एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालें, इसे गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्च
और थोड़े से कड़ी पत्ते। और इस तड़के में आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बट पानी बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि हम पानी डालेंगे तो रवा ढोकला नरम हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब ढोकले के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और इसके ऊपर इस तड़के को डाल दें। अब आप लीजिए एक नाइफ और उसे इस तरह से घुमा लीजिए और इसके साइड्स को इस तरह से घुमाते हुए अलग करिए। बहुत ही इजी आपका रवा ढोकला निकल आएगा। अब इस रवा ढोकला को पीसेस में भी कट कर देते हैं। आप लीजिए एक प्लेट, उसे इसके ऊपर इस तरह से रखिए और इसे घुमा दीजिए और इसे थोड़ा सा टैप करें और पॉट को धीरे से उठा लीजिए। इसे सीधा कर लेती हूँ और देखिए जालीदार रवा ढोकला तैयार हुआ है। आप इसको इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। आप पीसेस कट करने के बाद भी तड़का लगा सकते हैं। जिन लोगों को बेसन ढोकला पसंद नहीं है वो उस रवा ढोकला को ज़रूर ट्राई करें और लीजिए, परफेक्ट स्पॉन्जी रवा ढोकला तैयार है। ये देखिए मैंने इसी तरह से थाली में भी बनाया है और इसके ऊपर तड़का फैलाकर इसे ट्रायंगल में पीसेस कट कर दिए हैं। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें। ये देखें कितना जालीदार स्पॉन्जी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। सुपर स्पॉन्जी ढोकला बनाने के लिए एक पैन में पानी 2 कप डालकर उसके अंदर एक स्टैंड डाल देते हैं। अब एक बोल में 1 कप बेसन, 1 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। अब 1 कप पानी डालकर इसे भी मिक्स कर देते हैं। पॉट को ग्रीस कर लेते हैं। अब इसी बेटर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून इनो डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस बेटर को तुरंत ही पॉट में डालकर मीडियम हाई टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट ढक्कन लगाकर इसको रख देते हैं। इनो डालने से ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। 15 मिनट के बाद ढोकला बन चुका है, इसे ठंडा होने को रखते हैं। जब तक हम इसके लिए तड़का बना देते हैं। एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके इसमें राई और कड़ी पत्ते डाल दें, साथ ही लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। अब 1/2 कप पानी ऐड करें और 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें। उबाल आने के बाद गैस बंद करें। इसे ठंडा होने के बाद ढोकले के ऊपर डाल दें और थोड़े से हरे धनिया के साथ इसे गार्निश कर लें और हमारा सुपर स्पॉन्जी ढोकला रेडी है।